अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न के लिए हमने हाफ के जी चिकन ले ली है और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हमें चाहिए प्लेन मैदा, और अब हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल नमक का। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एक एक पीस उठाकर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं। इस तरह इसको कोटिंग करें ताकि मैदा इसको अच्छी तरह पकड़ ले। पानी में डिप करने का मतलब यह है कि कोटिंग अच्छी तरह से जम जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं इस तरह करने से। अब हम दूसरा पीस भी इसी तरह से कर लेंगे। इसको इस तरह से दबा दबा कर हम इसके अंदर मैदा भर देंगे। ये बहुत ही क्रंची बनेंगे। इसी तरह हम सब कर लेते हैं। तो ये हमने इसको रेडी कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको एक एक करके ऐड कर देते हैं। और इसको हमेशा मीडियम आंच पर ही पकाएं ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये 6 से 7 मिनट में पक जाते हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। ये बहुत ही क्रंची लग रहे हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और मुझे फीडबैक जरूर दें। ये देखें बहुत ही मजे के पॉपकॉर्न और अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।